हेलो बच्चो लेट सी दिस क्वेश्चन नाउ सो दिस क्वेश्चन इज दैट सेडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशेज सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिए हुए हैं ए टू डी अब हमें बताना है दैट विच ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग बोने फिशेज आर करेक्ट तो यानी कि यहाँ पे हमें एक हिंट दिया है जिसको हम यहाँ पे स्टार बनाएंगे हाईलाइट में यानी कि ये सारी बातें हो रही हैं विद रिस्पेक्ट टू आर फिशेस। की कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा बोनी फिशेस के कैरेक्टरिस्टिक्स राइट सो हमें यहाँ पे बोनी फिशेस के कैरेक्टर्स पता होने चाहिए क्या उनके फीचर हैं वो पता होना चाहिए सो so, स्टेटमेंट पढ़ते हैं फटाफट दे हैव फोर पेयर ऑफ गिल्स यानी कि उनके पास फोर पेयर होते हैं गिल्स के जो कि ऑपरक्यूलम से कवर्ड होते हैं देखो बच्चों ये जो बोनी फिशेज होती है ना इनको एक स्पेशल क्लास के अंदर डाला हुआ है, इज़ नोन ऑस्टिक थाइस याद रखेंगे इसको दिस इज द नेम ऑफ द क्लास ऑफ बोनी फिशेज ये जो फिशेज होती हैं ये बेसिकली जॉड होती हैं इनके पास जॉज होते हैं ठीक है ये जॉड फिशेज होती हैं इसके अलावा इन इन्हें बोनी फिशेज क्यों कहते हैं वो भी देख लेते हैं बिकॉज इनके पास जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोनी होता है सो so, इनके पास बोनी एंडोस्केलेटन होता है यहाँ तक हमें क्लियर है अब कैरेक्टरिस्टिक्स की जब मैं बात करती हूँ तो ये yes, इनके पास फोर पेयर ऑफ गिल्स होते हैं राइट फोर पेयर ऑफ गिल्स होते हैं जो कि एक ओपरक्यूलम से कवर्ड होते हैं दोनों साइड में ईच ईच साइड में यही होता है सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और वी कैन से ट्रू राइट सो लेट्स मूव अट वेन वी टॉक अबाउट द स्टेटमेंट बी तो यहाँ लिखा है दे हैव एयर ब्लेडर विच रेगुलेट बाई एनसी सो जब हम यहाँ बात करते हैं दिस इज एप्सोल्यूटली करेक्ट उनके पास एयर ब्लेडर भी होते हैं राइट सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है थर्ड स्टेटमेंट में चलते हैं दे आर मोस्टली विस बट यहाँ पे एक ट्विस्ट आ जाता है बिकॉज़ जो हमारी बोनी फिशेज होती हैं दे आर एक्चुअली ओविपेरस मोस्टली दे आर ओविपेरस सो दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा आगे चलते हैं देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड एंड कवर्ड विद साइक्लोइड और टीनोइड स्केल्स सो यस उनकी जो स्किन होती है वो कुछ स्केल्स उनकी स्किन में होते हैं हमने देखा है ना कि अगर ये एक फिश की बॉडी है सपोज तो उसमें इस इस तरह से कुछ स्केल्स बने होते हैं देखा है हमने राइट सो दीज स्केल्स आर देर सो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट सो अकॉर्डिंग टू दिस सिर्फ सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी गलत है दैट मीन्स ए बी एंड डी दीज आर द करेक्ट स्टेटमेंट दैट्स दैट्स वाई ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर So the final answer is option third. Hope you understood it well. Best of luck.